हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ वेरी इजी वन, जिसका नाम है जी बॉन्ड एनर्जी। हम जो है बेसिकली अपने चैप्टर नंबर 6 के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक जो चीज़ें कवर कर ली हैं उनमें थ्री मॉडर्न थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और इस चैप्टर की असास समझी जाती हैं, जिनके नाम क्या हैं, केमिकल बॉन्डिंग। दोज थ्री थ्योरीज, नंबर वन इज़ वेस्पर, नंबर टू इज़ VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड नंबर थ्री वाज़ दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन तीनों की जो डिटेल है वो हम इस चैप्टर के स्टार्ट में बड़े अच्छे तरीके से जो है वो स्टडी करके आए हैं, और अब हम जो सा है अपने चैप्टर के आखिरी पार्ट की तरफ चलेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी का। और ये इंतहाई आसान दो डेफिनेशन हैं जिनको हमने डिटेल में थोड़ा सा समझना है कि वट इज़ बॉन्ड एनर्जी एंड वट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हमने जो है बॉन्ड फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हमने स्टडी किया है इन द लाइट ऑफ दीज थ्री मॉडर्न थ्योरीज। हमने इन तीनों थ्योरीज में, अगर आप रिकॉल करें, तो हमने डिफरेंट जो उनकी मेथडोलॉजीज़ हैं या डिफरेंट आइडियाज़ जो थ्योरीज कहती हैं वो हमने देखे हैं कि बॉन्ड जो है वो किस तरह अमल में आता है और क्यों कर बनता है। और इन्हीं से जो है, इन्हीं थ्योरीज की जो लर्निंग्स हैं उनसे हम ये बात अमल में हमारी समझ में आई है, ये बात हम बता सकते हैं कि जब भी बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम अपनी केमिस्ट्री में शुरू से ये बात पढ़ के आ रहे हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी, कि वाई डू सवाल ये पैदा होता है कि वाई टू एलिमेंट्स फॉर्म अ बॉन्ड, कि दो एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड आखिरकार बनाते ही क्यों हैं। तो पहली बात उसमें ये आती है कि दे वॉन्ट टू गेट स्टेबल, राइट। और स्टेबल होने का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ उस वक्त स्टेबल होगी, ये बात भी हम कई दफ़ा जो है डिस्कस करके आए हैं कि स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनर्जी। जितनी ज़्यादा कोई चीज़ हम स्टेबल करार देंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी, क्योंकि वो कम से कम एनर्जी के लेवल पे आना चाहता है। तो पता क्या चला कि जब भी बॉन्ड बनेगा वो जो एटम होंगे दो, अगर ये ए और ये बी एटम है, ये एक दूसरे के करीब आते हैं और ए बी एक बॉन्ड बन जाता है, एक कंपाउंड बन जाता है, तो इसकी एनर्जी लो होगी एज़ कंपेयर टू द सेपरेट एटम्स एट दिस लेवल। ये हाई एनर्जी पे होंगे, ये जब भी बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बना के ये एनर्जी जो उनकी है इनकी कम हो जाएगी। तो यहाँ से हम बॉन्ड एनर्जी की जो डेफिनेशन है उसको रिलेट कर सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। अब आपको पता है कि जब ए और बी आपस में मिले थे, ये ए था, अगर ये एनर्जी का प्रोफाइल है, दिस इज़ एनर्जी, ए हाई एनर्जी के ऊपर था, बी भी हाई एनर्जी के ऊपर था, ये दोनों जब करीब आए और इन्होंने बॉन्ड बनाया तो ये लो एनर्जी पर आ गए। लो एनर्जी पर आने का क्या मतलब है कि जब ये ए और बी हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आए तो इन्होंने एनर्जी जो है वो बाहर निकाली। अब इस प्रोसेस में एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। तो इसलिए हमने कहा कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तमाम वो प्रोसेसेस जिनमें एनर्जी आपके पास रिलीज होती है, दोज आर दी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, और बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी से जब वो लो एनर्जी पर आएगा तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अब हम इसका काउंटर केस स्टडी करते हैं कि अगर मेरे पास ए बी है
जो कि लो एनर्जी लेवल के ऊपर है, अगर ये एनर्जी का प्रोफाइल है तो ए भी यहाँ पे है और इसको मुझे तोड़ना है ए के अंदर और बी के अंदर। तो वो एनर्जी जो ए और बी ने आपस में बॉन्ड बनाते वक्त रिलीज़ की थी, अब वही एनर्जी हमें इसको देनी पड़ेगी ताकि ये अपने रिक्वायर्ड लेवल पर, इस लेवल ऑफ एनर्जी के ऊपर ये दोनों पहुंच जाएं और एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ से जो बात हमें पता चली वो ये है कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वाज रिलीज्ड, जो कि रिलीज हुई थी इन बॉन्ड फॉर्मेशन, एक बॉन्ड के बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसकी सेम अमाउंट जो है वो हमें चाहिए होती है, इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि एक 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 बॉन्ड बना और उसने अगर 100 जौल एनर्जी रिलीज़ की, तो अब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें वही 100 जौल एनर्जी उसको यहाँ पे देनी पड़ेगी ताकि वो बॉन्ड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में टूट के सेपरेट हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट था। यहाँ से बॉन्ड एनर्जी की जो डेफिनेशन आती है वो ये आती है कि बॉन्ड एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये सारी डिस्कशन हमने इसलिए की कि हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकें। बॉन्ड एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल दी बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप का क्या मतलब है इसको हम अभी देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स प्रेजेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप इन 1 मोल ऑफ दी सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस आप स्टडी कर रहे हैं उसके 1 मोल के अंदर आप जो है बॉन्ड को जब तोड़ेंगे उसके 1 मोल ऑफ बॉन्ड को, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट वुड बी कॉल्ड एज दी बॉन्ड एनर्जी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पर्टिकुलर टाइप का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ मेरे पास एक इथीन का मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर दो तरह के बॉन्ड हैं, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। नंबर वन इज़ कार्बन कार्बन एंड नंबर टू इज़ कार्बन विद हाइड्रोजन। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एक कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पर जब हम किसी एक की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर, मैं कहता हूँ जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, तो 1 मोल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट वुड बी द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन टू डबल कार्बन एटम, ये बॉन्ड। और इसी तरह अगर मैं इसको पर्टिकुलर बॉन्ड अपना कंसिडर कर लूँ, तो फिर इसका 1 मोल तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। इस वजह से तो पर्टिकुलर टाइप का मतलब है कि आपका किसी भी कंपाउंड के अंदर जो खास बॉन्ड को आप स्टडी कर रहे हैं उसकी एनर्जी। तो ये था हमारे पास बॉन्ड एनर्जी और उसकी डेफिनेशन कि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। इसको पता कैसे करते हैं? इट इज़ डिटरमिंड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करने का मतलब क्या है कि डिफरेंट आपके पास इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो कि निकलने वाली एनर्जी को जो है वो मुहैया करते हैं, और इंथाल्पी के चेंज को जो है एट 298 डिग्री केल्विन, 298 केल्विन के ऊपर जो है आप उसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप ही की बुक में जो है इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन की भी डेफिनेशन वो डिस्कस कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये अब क्या चीज़ है?
एटमाइजेशन आपके नाम से पता लग रहा होगा या आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा। एटमाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। अगर ए और बी जो है वो दो एटम से और इन्होंने मिलके कंपाउंड ए बी बनाया हुआ था, तो अगर मैं इनको इसके एटम्स में कन्वर्ट कर दूँ, इसके एटम्स में स्प्लिट कर दूँ, तो एटमाइजेशन प्रोसेस कहलाएगा। और इस प्रोसेस के लिए जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट वुड बी दी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो दिस वाज दी कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिसमें वो कहता है जी द एंथैल्पी चेंज इन स्प्लिटिंग अ मॉलिक्यूल इनटू इट्स कंपोनेंट एटम। स्प्लिटिंग अ मॉलिक्यूल, आप एक मॉलिक्यूल को स्प्लिट करते हैं इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम, कि जिन एटम से मिलके वो बना है उनके अंदर हम इसको जो है स्प्लिट अप कर देते हैं। तो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब हम चलते हैं इसके यूनिट्स की तरफ। यूनिट्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, जो कि क्या होता है, किलो जाउल पर मोल। अब किलो जाउल पर मोल का क्या मतलब है कि नंबर, विच इज, इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलो जाउल्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स, ये इसका मतलब है। अब वन मोल का क्या मतलब है, इस वन मोल का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर इक्वल टू द एवोगैड्रोज नंबर विच इज 6.02 इंटू 10^23 बॉन्ड्स। एक मोल के अंदर इतने बॉन्ड्स ही मौजूद होंगे ना, क्योंकि दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ वन मोल, के एक मोल के अंदर इतने एटम, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सारे फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अब हम उनकी एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो किलो जाउल पर मोल का मतलब है द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलो जाउल्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड। और वन मोल का मतलब है कि इसके अंदर 6.02 इंटू 10^23 नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो आपके पास प्रेजेंट होंगे। अब आपके पास जो बुक में अगर आप देखें तो देर इज़ अ टेबल, और टेबल जो है वो हमें डिफरेंट बॉन्ड्स लेंथ के मुकाबले में, डिफरेंट बॉन्ड्स के मुकाबले में सी 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 डबल बॉन्ड सी सी एच एन ट्रिपल बॉन्ड एन सी ओ, इस तरह के तमाम बॉन्ड्स के आगे जो है उनके टेबल के अंदर उसने बॉन्ड एनर्जी जो है वो मेंशन की हुई है इन किलो जाउल पर मोल। अब अगर आप उस टेबल को देखें तो यू विल कम टू नो कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो इनकी अगर आप देखें तो दिस इज 348, दिस इज 6144 एंड दिस इज 839 किलो जाउल पर मोल। यहाँ से हमें जो बात पता लग रही है वो ये है कि सिंगल बॉन्ड की अगर 350 है तो डबल बॉन्ड की डबल नहीं है, 700 नहीं है, इट इज़ लेस देन 700। और ट्रिपल बॉन्ड की जो सी है, अगर इसकी 348 या 350 अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो आपके पास 1050 बननी चाहिए अगर ट्रिपल बॉन्ड इसके 3 गुना हो। तो अगर सी टू सी इज 348 तो डबल बॉन्ड के लिए इसको डबल होना चाहिए, और डबल कितनी होती है, 796। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए इसको ट्रिपल हो जाना चाहिए, 348 को अगर मैं वो करूँ तो इट कम्स आउट टू बी 1044। यहाँ से पता ये चला कि जो आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनकी जो एनर्जीज हैं वो ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड तो होती हैं, ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड्स, लेकिन दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू दी डबल ऑफ फर्स्ट बॉन्ड एंड ट्रिपल ऑफ दी सेकेंड बॉन्ड, के वो एग्जैक्टली उनके डबल या ट्रिपल नहीं होती।
लेकिन उनसे ज़्यादा होती हैं। इससे पता ये चला कि जो आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज़ नॉट ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड थी दैट इज़ 348, और अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल होता तो ये 696 होनी चाहिए थी, लेकिन ये 696 नहीं है, ये 614 किलो जौल पर मोल है। मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जितना, सिंगल बॉन्ड के दो दुगना जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट थ्राइस एज स्ट्रॉन्ग एज सिंगल बॉन्ड। के सिंगल बॉन्ड जो है उसके 3 गुना स्ट्रॉन्ग डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नहीं होता। अगर तो सिंगल बॉन्ड C 348 किलो जाउल पर मोल है, तो अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी जो है वो भी इसके 3 गुना होता तो दैट शुड बी 1044, लेकिन वो 839 किलो जाउल पर मोल है। मतलब क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड इसके 3 गुना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो यहाँ से बात ये पता चली कि जो सिग्मा बॉन्ड है दैट इज स्ट्रोंगर देन पाए बॉन्ड। अगर आप अपनी पिछली थ्योरीज को रिकॉल करें तो जो पहला बॉन्ड बनता था दैट वाज सिग्मा बॉन्ड, और जो बाकी के दो बॉन्ड्स बनते थे डबल और ट्रिपल इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देवर दी पाए बॉन्ड्स। इनको हम डिफरेंट VBT और MOT में भी स्टडी करके आए हैं। तो दीज इनकी एनर्जीज को अगर आप रिलेट करें तो ये पता लगता है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन दी पाए बॉन्ड। तो ये आखिरी बात थी रिलेटेड टू दी बॉन्ड एनर्जी इन योर चैप्टर। अब हम अगला जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम बॉन्ड एनर्जी का आयनिक करेक्टर के साथ स्टडी करेंगे, जो कि हम पहले भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से उसका थोड़ा सा डिस्कस करके आए हैं। तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ चैप्टर नंबर 6।